फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे जमीन के जो खतियान होता है, रजिस्टर्ड टू होता है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए, इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से कैसे आप अपने जमीन के खतियान या रजिस्टर टू के डिटेल्स को देख सकते हैं, उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास कुछ कोर्स है जो सीएसई साइबर कैफे से रिलेटेड है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहें तो यहाँ पे जो भी साइबर कैफे में कराया जाता है, जो भी सर्विस दिया जाता है, ये कंप्लीट हमारा इस कोर्स में होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, और डेमो क्लास भी इसके लिए अवेलेबल है, तो डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। इस सिलेबस को पूरा आपको चाहिए, अगर देखना चाहते हैं ये क्या क्या कोर्सेज इंक्लूडेड है इसमें, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे खतियान को प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी एक ब्राउजर को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे झार भूमि। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे झार भूमि लिखेंगे और इस पर एंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए, झारभूमि.झारखंड.gov का वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो झारभूमि का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है खाता एवं रजिस्टर्ड टू। देखे यहाँ पे देखिये, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आप हमारे पास क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इसमें जितने सारे फंक्शन दिया हुआ है, ये सारा कंप्लीट आपको बताया जाता है। तो खाता है और रजिस्टर टू देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है खतियान का और दूसरा ऑप्शन आता है रजिस्टर टू का। तो दोनों हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले। पहले हम खतियान को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है। तो कोई भी जो भी जिला होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम धनबाद सेलेक्ट किए, यहाँ से अंचल बागमारा सेलेक्ट कर लिए, हल्का। और हल्का, अब आपको हल्का में प्रॉब्लम होगा कि आपका कौन सा हल्का है ये पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ये जानने के लिए काफी सिंपल है, आप इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है। इस कैप्चा कोड को भरेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है। इसे भरने के बाद, और यहाँ पे देखिए एक डॉट दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोजा का नाम आ चुका है। मोजा का नाम तो आपको पता ही होगा, मोजा का नाम है और ये मोजा का कोड है, और यहाँ पे हल्का का नाम है। तो यहीं से यही हल्का को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देखिये यहाँ पे सारा ये हल्का वन में ही आ रहा है, और नीचे जाएंगे तो और भी हल्का यहाँ पे दिया हुआ है, 11 और अलग अलग दिया हुआ है। तो आप इसे निकाल लेंगे प्रिंट आउट करके। चलिए हम यहाँ से कोई एक हल्का को सेलेक्ट करते हैं। तो हल्का यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5, और मोजा यहाँ पे जिस हल्का को सेलेक्ट करेंगे उस हल्का में जो भी मोजा आता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर आ जाएगा, तो कुछ एरर आ रहा है तो हम इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर से हम गिरिडीह सेलेक्ट करते हैं और अंचल सेलेक्ट कर लेते हैं, बेंगाबाद, और यहाँ से हल्का एक कोई हल्का को ले लेंगे, मोजा सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी एक मोजा ले लेंगे। यहाँ पे खाता नंबर आ चुका है तो इस खाता नंबर को हम डाल दिए, और टाइप जमीन का किस टाइप का जमीन है तो यहाँ से हम रेती को सेलेक्ट करेंगे, रेती सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरना है फिर से। ये डालने के बाद खतियान पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी खतियान होगा, जो हम खाता नंबर सेलेक्ट किए थे उसमें, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे रैयत और रैयत का नाम, अभिभावक का नाम और रिश्ता दिया हुआ है। तो नंदकू मातो और चूड़ो मातो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो ये खाता नंबर हम 5 सेलेक्ट किए थे तो 5 आ गया, और इसमें जितने सारे प्लॉट है वो सारा प्लॉट यहाँ पे दिख जाएगा, और जो भी प्लॉट यहाँ पे उसमें कितना जमीन है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप इस खतियान को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर में आएंगे तो यहाँ प्रिंट का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये प्रिंट आउट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे फिर से बैक जाते हैं, यहाँ पे हम आ जाएंगे, और अभी हम देखे थे खतियान कैसे चेक करते हैं, अब हम देखते हैं कि रजिस्टर टू को हम कैसे चेक कर सकते हैं।
तो फिर से यहाँ पे आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे, आंचल सेलेक्ट करेंगे, हल्का और मोजा, और यहाँ से खाता नंबर। तो खाता नंबर इस बार हम चेंज कर लेते हैं 10, और टाइप सेलेक्ट करेंगे फिर से हम रहती। तो यहाँ पे हम रहती पे क्लिक किया और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिर से हम भरेंगे। ये कैप्चा कोड को डाल चुके हैं और यहाँ पे रजिस्टर 2 देखे पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से रजिस्टर 2 का जो डिटेल होगा, इस खाता नंबर में जितने भी लोगों का नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और इस तरीके से आप अपने जमीन के सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे लोगों का नाम का चढ़ा हुआ है और ये जो खाता नंबर है इसमें। तो इस तरीके से कंप्लीट आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, और कोई भी जमीन का डिटेल कोई भी कस्टमर आता है तो उसको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप सीएससी साइबर कैफे कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, और कोई भी टाइम को एक बुक करके डेमो क्लास लेना चाहें तो डेमो क्लास भी ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट सर्विसेज कराया जाता है, आधार कार्ड करेक्शन, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी आता है राशन कार्ड, ये सारा जो भी सर्विसेज आता है ऑनलाइन का, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ये सारा कंप्लीट कराया जाता है और काफी कम फीस में। तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, एक बार जरूर डेमो क्लास लेकर के देखें।